नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल। आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। रतलाम से 18 किलोमीटर दूर बिलपा के स्थित फोरलेन टोल नाके पर रविवार रात गोली चल गई। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को लगी तो हड़कंप मच गया। बिलपा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पता चला कि सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स मंसूर की टीम ने तस्करों को पकड़ने के लिए गोलियां चलाई। गोली चलने से तस्करों की कार का रेडिएटर फट गया। दरअसल मामला यह है कि सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स मंसूर की टीम को सूचना मिली थी कि एक कार में डोडा चूरा भरकर ले जाया जा रहा है। टीम के 10 से 15 अधिकारी दो अलग अलग गाड़ियों में तस्करों की कार का पीछा करते हुए बिलपा टोल नाके पर पहुंचे। तस्करों की कार को ओवरटेक कर टीम के अधिकारियों ने आगे व पीछे उनकी गाड़ियां व तस्करों को पकड़ा। बताया जा रहा है तस्करों के पास क्रेटा कार थी जिसमें डोडा चूरा भरा हुआ था। बाद में अधिकारी कार में सवार दोनों तस्करों को व कार को अपने साथ ले गए। इस संबंध में सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स टीम के अधिकारियों से संपर्क करना चाहा, लेकिन नहीं हो पाया। बिलपा थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि तस्करों का पीछा करते हुए सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स मंसूर के अधिकारी आए थे। कार में सवार दो लोगों को अपने साथ ले गए। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।